अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर फोर्स बार। तो आज जो हम अगेन दोबारा लैपटॉप लाया है वो भाई लेनोवो के अंदर मॉडल लेके आए, लेकिन इस बार ये थिंक पैड में नहीं है, इस बार ये जो इसका मॉडल है वो है लेनोवो B575e इसका मॉडल है। और इसके अलावा इसका जो वर्जन है वो AMD वर्जन में। तो आप लोग सोचेंगे यार लेनोवो भी AMD में निकालता है, बिकॉज लेनोवो भी AMD में निकालता है और इसका जो लाइटिंग कीबोर्ड नहीं है, ये न्यूमेरिक कीपैड में आया हुआ है। मीन इसके 15.6 इंच का स्क्रीन साइज है, इसका भी सामने कैमरा दिया हुआ है, फ्रंट पे इसका कैमरा है और लाइटिंग कीबोर्ड नहीं है। बैक साइड पे ब्लैक कलर के अंदर है, जिसमें ज्यादातर लेनोवो का लैपटॉप देखते हैं कलरफुल तो बहुत कम ही निकालता है। अच्छा, हम स्क्रैचेस वाला सिस्टम करके देते हैं, नहीं स्क्रैचेस है, लेकिन ये बॉडी बहुत हार्ड है। मीन इसके इस पर आप कोई सख्त ब्लेड वगैरह से आप करेंगे तो स्क्रैच ईजिली आ जाएगा। लेनोवो ने अपनी ब्रांडिंग की हुई यहाँ पे आप देख सकते हैं। अच्छा, हम इसकी राइट साइड पे देखते हैं, तो हमारी राइट साइड पे इसकी एक DVD है, USB पोर्ट है, उसके अलावा अपने इंटरनेट पोर्ट है, दो बल्कि USB पोर्ट्स हैं और दो जैक पोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ से। और उसके अलावा मैं आपको दूसरा बताता हूँ, लेफ्ट साइड पे इसने HDMI पोर्ट एक पोर्ट दी हुई है, दूसरा इसने USB पोर्ट दी हुई है, एक चार्जिंग केबल की पोर्ट दी है और कूल हीट की पोर्ट दी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, बैक साइड इसके हम नीचे साइड से देखते हैं जी, बैटरी का ऑप्शन है, 6L बैटरी इसमें लगी हुई है और अपना क्या नाम है, ये सारा इसके अंदर जो इसके बैक साइड यहाँ पे रैम्स और हार्ट लगी हुई है। कवर देखते हैं तो अच्छी क्वालिटी का है, जिस तरह के लेनोवो का आपको मैंने पहले भी बताया कि ये बहुत ही मजबूत मशीनें होती हैं, बहुत हार्ड मशीन होती हैं, अगर आम तरीके गिर भी जाएँ तो टूटने के चांसेस कम होते हैं। अच्छा जी, क्वालिटी में देखिए जी, बिल्कुल क्वालिटी बेस्ट है। और अच्छा, इसका वर्जन चेक करा रहा हूँ, अभी हमारे पास चार्जिंग नहीं हुआ है तो मैं आपको इसका वर्जन बताता हूँ। ये जो वर्जन है, सॉरी, इसके अंदर AMD वर्जन है, जनरेशन की बात करते हैं, जनरेशन कौन सी है, ये 3 और 4 मिड की जनरेशन बन रही है। इसका जो प्रोसेसर है वो 2.40 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर, इसमें 4GB रैम और 250GB हार्ड सिंपल HDD में ये हमारे पास आता है इंपोर्ट होके, तो आप इसको इसलिए आप बाय कर सकते हैं। इसकी ग्राफिक्स भी अच्छे हैं बिल्कुल। और ये बात करते हैं किस रेंज तक है, 23 की रेंज तक ये है, और 23 की रेंज के अंदर अंदर आप इसके अंदर अमेजोन वाला भी इसको बाय कर सकता है, और ये ऑनलाइन वर्किंग जो नॉर्मल ऑनलाइन वर्क्स हैं उनके लिए इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जी, अगर आप चाहते हैं कि आप गेम्स करना चाहें, हल्की फुल्की गेम्स, GTA 5 का जो GTA 5 होगी और Tekken 3 जो हो गई, ये छोटी मोटी गेमें भी इजीली चल जाएंगी। उसके अलावा आप इसमें मूवीज़ वगैरह देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।